स्टील सिटी एथलेटिक क्लब के तत्वाधान में रविवार को 15वीं छत्तीसगढ़ स्त्री क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया। स्टील सिटी एथलेटिक क्लब भिलाई नगर द्वारा रविवार को जयंती स्टेडियम में 15वीं छत्तीसगढ़ स्त्री क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ स्त्री क्रॉस कंट्री रेस में शामिल होने पूरे छत्तीसगढ़ से प्रतिभागी जयंती स्टेडियम भिलाई पहुँचे। रेस शुरू होने के पूर्व औपचारिकताओं को पूरा कर क्रॉस कंट्री रेस का शुभारंभ किया गया। क्रॉस कंट्री रेस में सभी आयु वर्ग के एथलीट शामिल हुए। सभी में यहां अपने दमखम का परिचय दिया। क्रॉस कंट्री रेस में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए प्रतिभागियों को यहां उपस्थित अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। क्रॉस कंट्री रेस शुरू होने के पूर्व अतिथियों का स्वागत आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने आयोजन की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। आज प्रातः 8 बजे जयंती स्टेडियम में जो एथलेटिक संघ के द्वारा स्टील क्लब एथलेटिक संघ के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 250 से 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया और जिसमें इसमें बच्चे और पुरुष दोनों थे। और निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं वो काफ़ी लाभदायक रहते हैं, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी। और किस प्रकार का आज जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत लोग से मानसिक दबाव रहता है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार के आयोजन होने से उनसे डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, और जो असफल होते हैं उसको भी एक मोटिवेट मिलता है कि हम असफलता के बाद किस प्रकार आगे बढ़ें और उसमें आगे बढ़ के उसमें विजय प्राप्त करें। और आने वाले समय में जब भर्तियां निकलती हैं, पुलिस की भर्ती हो चाहे अन्य विभाग में, तो ये जो खेल में आगे रहते हैं उसको भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से आयोजन बहुत अच्छा रहा और इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहरहाल प्रतियोगिता में पूरे दमखम के साथ एथलीट शामिल हुए। इस तरह का आयोजन सराहनीय है, जिसमें खिलाड़ियों को अपने अंदर छुपी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने प्लेटफॉर्म मिलता है, जो आगे चलकर उनके लिए मील का पत्थर साबित होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।